हेलो, आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं लैंगिक भावनाओं की जो कमी होती है उसके बारे में, जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर। सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर मतलब डिजायर कम होती है सेक्स करने की। उसमें होता क्या है कि लगातार या बार बार काम वासना या काम भावना जो है, या सेक्स की इच्छा नहीं होती है। अभी यह यदि जवानी में होता है तो यह प्रॉब्लम है, मगर जीवन में स्ट्रेस है, तनाव है, या बढ़ती उम्र है और फिर भावनाएं कम हो रही है, तो फिर यह नॉर्मल है। अदरवाइज जब भावनाएं कम हैं, काम भावना या लैंगिक भावना कम हो रही है, तो ये प्रॉब्लम टेंशन का हो सकता है और मियाँ बीवी में आपसी संबंध में दरार आ सकती है। काम भावना का कम होना, इसमें खुद को मानसिक दुख हो सकता है, या पति पत्नी के रिश्तों में दरार आती है, डिस्टेंस बढ़ जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, या कोई दवाई के कारण हो सकता है, तो फिर देखना चाहिए कि दवाई के कारण हुआ क्या, दवाई बंद करनी पड़ेगी, या कोई शारीरिक बीमारी है क्या, उसके कारण ये हो रहा है क्या, भावनाएं कम हो रही है क्या, तो उसका इलाज करना पड़ेगा, या फिर शराब पीने से ऐसा हो रहा क्या, वो भी हमको देखना पड़ेगा। यदि कोई बीमारी है, मानसिक बीमारी है, उसकी वजह से भावनाएं कम हो रही है, मानसिक बीमारियों के ड्रग्स चल रहे हैं, मेडिसिन चल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी भावनाएं कम होती है। इसमें होता क्या है कि व्यक्ति लैंगिक संबंधों को टालते जाता है। महिलाओं में भावनाओं का कम होना यह पुरुषों से ज़्यादा दिखाई देता है। टोटल ऐसे पॉपुलेशन में, आबादी में 10 से 20% लोगों को भावनाओं का, काम भावनाओं का कम होना दिखाई देता है। ये अंतर्भावनाओं का कम होना, ये ऐसा हो सकता है कि बचपन में कुछ डर बैठा हो, कहीं माँ बाप का सेक्स देखा हो, या बचपन में सेक्स के बारे में, या कोई अत्याचार सेक्स का हुआ हो, लैंगिक संबंधों में अत्याचार बचपन में हुआ हो, या फिर कोई तनाव है, चिंता है, निराशा है, उसके कारण भी भावनाएं कम हो सकती है। अब भावना समझो कम होती है तो होता क्या है कि पति पत्नी के रिश्तों में दरार आ जाती है, संघर्ष हो जाता है, क्योंकि सेक्स तो हर एक की भूख है, और वो भूख पूरी हुई नहीं तो फिर चिड़चिड़ापन, संबंधों में दरार आना, फिर झंझट झगड़े होना, फिर जीवन में बाकी बातों में झगड़ा झंझट चालू हो जाना, ऐसा होते रहता है। सेक्स की भावना या काम भावना ये होना बाकी बातों के ऊपर भी निर्भर है, या उसके ऊपर भी डिपेंड है। जैसे कि आत्मविश्वास अच्छा होना, खुद के ऊपर विश्वास नहीं तो काम भावना कम हो जाती है, या फिर स्व प्रतिमा मतलब खुद के बारे में खुद का मन अच्छा होना, या फिर पुराना जो लैंगिक तजुर्बा है वो समझो अच्छा रहा तो फिर भावनाएं अच्छी होती रहती है, या अच्छा समय है, शांत वातावरण है, पति पत्नी का अच्छा पटना, कोई दरार नहीं होना, संघर्ष नहीं होना, झगड़ा नहीं होना, मतलब अच्छा पार्टनर होना, ये सब सेक्स भावना के लिए या काम भावना के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे अलग अलग ग्रुप में देखा गया है। एक ग्रुप देखा 100 कपल का, 100 पति पत्नी का एक ग्रुप देखा, उसमें ऐसा मालूम पड़ा जब सेक्स के बारे में स्टडी किया तो, कि 8% कपल्स 1 महीने में कम से कम एक ही बार कांटेक्ट करते, बस उसके ऊपर कांटेक्ट ही नहीं करते। एक ग्रुप दूसरा देखा, उसमें ऐसा देखा गया कि 33% लोग जो है वो 8 हफ्तों में एक बार भी संबंध नहीं करते, ऐसा मालूम पड़ा, मगर उनके रिश्ते बराबर है, शादी अच्छी चल रही है, आपसी संबंध अच्छे हैं, मगर उतने कम होती है, मतलब कम संबंध है, भावनाएं कम है और उनको बाकी अच्छा चल रहा है। और तीसरा ग्रुप जब एक देखा तो उसमें ऐसा मालूम पड़ा कि 1 महीने में ये सिर्फ 3 बार ही संबंध करते। इसका मतलब ऐसा हो गया अलग अलग स्टडी का कि यह जो बीमारी है, काम भावनाओं का कम होना, यह बोले तो बीमारी है, और यदि खुद को डिस्टर्बेंस कर रही है, खुद को ऐसा लग रहा है कि नहीं ये बराबर नहीं है, या पति पत्नी में संघर्ष हो रहा है तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब डिस्टर्बेंस होना, पति पत्नी में दरार आना या संघर्ष होना, ये जरूरी है, ये बीमारी अपने को डायग्नोज करना है तो। और दूसरा, दवाई के बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए, या कोई शारीरिक बीमारी उसके वजह से नहीं होना चाहिए, दवाई की वजह से नहीं होना चाहिए, या फिर कोई मानसिक बीमारी की वजह से नहीं होना चाहिए। मतलब ये तीनों भी फैक्टर नहीं है, कोई दवा नहीं ले रहा है, कोई एडिक्शन नहीं है, कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, कोई मानसिक बीमारी नहीं है, और तभी भी
सेक्स करने की इच्छा नहीं हो रही, काम भावना कम है और उसकी वजह से पति पत्नी में दरार आ रहा है, ऐसा यदि है तो जरूर साइकियाट्रिस्ट का, साइकोथेरेपिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट का इलाज करना जरूरी है, काउंसलिंग करना जरूरी है, मालूमत करना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, इच्छा क्यों कम हो रही है, क्या बचपन में कोई डर तो बैठा नहीं है, क्या बचपन में कोई लैंगिक अत्याचार हुआ था, बचपन में क्या पिताजी बहुत कड़क स्वभाव के थे उसकी वजह से एकदम डर बैठ गया, या बचपन में ऐसा क्या हुआ कि अंतर मन में सेक्स के बारे में डर बैठा हुआ और उसकी वजह से फिर काम भावना कम हो गई। यदि ये पूरा उसका डिगिंग करते हैं, खुद काम करते हैं और देखते कि क्या कारण है, तो ये जरूर अच्छा हो सकता है, ये बीमारी अच्छी हो सकती है और पति पत्नी में अच्छा रिश्ता तैयार होके उनका जो मैरिड लाइफ है यानी वैवाहिक जीवन वो अच्छा हो सकता है। काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बताया, ये वीडियो जरूर आप लोगों में शेयर करो कि लोग ये बोलते नहीं है बाहर, मगज में घूटते रहते हैं, बाहर बोलना हमारे समाज में अच्छा लगता नहीं है कि मेरे को सेक्स प्रॉब्लम है, तो ज़रूर ये वीडियो सब आपके ग्रुप में शेयर करो ताकि लोग उनका काम जीवन जो है वो अच्छा बिता सकेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और जो बेल आइकॉन आता है उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आते जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो मिशन है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, तो उसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। हर एक को शक्तिशाली जीवन जीने के लिए मौका देना और उनको शक्तिशाली करना, इसमें आपका भी हाथ लगेगा और आप भी हमारे इसमें पार्टनर बनेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।